जी हाँ दोस्तों, जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, मोदी सरकार के इस फैसले पर गदगद हुए अखिलेश यादव, कहा सबको बधाई और धन्यवाद। बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के ऐलान पर पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि उन सबको बधाई और धन्यवाद जिनका परिणाम आज दिखाई दे रहा है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री किसान नेता, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी किसानों की खुशहाली के लिए लगा दी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, बहुत बधाई और चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न की मांग समाजवादी पार्टी ने थी। जितने भी लोगों को भारत रत्न मिला है, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी से बात होने के सवाल पर उन्होंने कहा, इधर बात नहीं हुई, जो बात होनी है वे सब अखबारों में छप रही है। बता दें कि दूसरी ओर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। दूसरी ओर इस ऐलान के बाद चौधरी चरण सिंह के बेटे और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने लिखा, दिल जीत लिया। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने कहा, किसानों के मसीहा और देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरणजीत सिंह को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भारत सरकार का हृदयपूर्वक आभार एवं अभिनंदन, धन्यवाद। चौधरी चरणजीत सिंह का संपूर्ण जीवन किसानों के कल्याण और उत्थान के लिए समर्पित रहा। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना देश के कोटि कोटि अन्नदाता किसानों का भी सम्मान है। एबीपी न्यूज़ की रिपोर्ट।